तो यार ये घर नहीं जा रहा है क्योंकि इसके पेपर हैं। किस चीज़ का पेपर है? तो ये अपना पढ़ाई कंप्लीट करके 2-3 दिन के बाद घर निकलेगा। और मेरा रूम भी वैसे ही बिखरा हुआ है, मैं सारा सामान अरेंज कर रहा हूँ और इसको सब ठीक करके जाऊँगा ताकि आऊँ तो फिर दिक्कत ना हो। और अपन बहुत खुश हैं यार, बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि 5 महीने के बाद घर जा रहा हूँ मैं। और ये तो जाके ये भी 5 महीने के बाद ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट अपना काम हो चुका है, अब अपन खाना खाएंगे फिर सो जाएंगे। सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आखिर वह दिन आ गया है घर जाने का, छुट्टियां पड़ने वाली हैं 2 दिन बाद। अपन 2 दिन पहले ही जा रहे हैं घर। ये लोग रुक रहे हैं क्योंकि इन लोगों का पेपर है, तो अपन पहले निकल रहे हैं 2 दिन पहले। तो यार घर जाने से पहले ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हॉस्टल की, ये फिल करना होता है फॉर्म। एक वार्डन सर के पास होता है, मतलब एक हॉस्टल में होता है, और एक हम लेके जाते हैं और फिर आते टाइम इसको जमा कर देते हैं, ये सीन होता है। तो ये जा रहा है ड्रॉप करने मुझे, और ये जा रहा है गेट तक ड्रॉप करने, ये स्टेशन तक ड्रॉप करने। तो सीन है कि अपन स्टेशन जाएंगे, और स्टेशन से हमारी पहले स्टेशन यहाँ देहरादून स्टेशन, फिर वहाँ से गोरखपुर एंड देन सिवान। अभी तो 12:10 के आसपास हो रहा है, 3 बजे अपनी ट्रेन है। तो 1 घंटा लगेगा मुझे जाने में यहाँ से, क्योंकि आउटसाइड एरिया में अपना कॉलेज है, तो यहाँ से 1 घंटा लगता है जाने में। तो रास्ते में अपन कुछ पैक करा लेंगे खाने का, और फिर मिलेंगे स्टेशन पे। तो पैकिंग हो गई है, भाई ने पैकिंग कर दिया बिरयानी का, अब चलते हैं स्टेशन यहाँ पे। चलो लेट्स गो। मैंने अपनी फेवरेट जगह से अपनी फेवरेट चीज़ पैक करा ली है, अब निकलते हैं। अपन पहुँच गए स्टेशन, ने स्कूटी पार्क कर दी, अब चलते हैं अंदर। चलो स्टेशन पे तो अपन पहुंच गए हैं। स्टेशन आने के बाद एक मैसेज आया मेरे पास कि ट्रेन 3 घंटे के आसपास लेट है, 3 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यार मूड ख़राब हो गया है क्योंकि कल का भी अपना जो टिकट है वो कैंसिल करना पड़ेगा। सोच रहे हैं कि वेटिंग रूम में जाके बैठ जाएं, या फिर स्कूटी से बाहर थोड़ा सा घूम लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। घर जाने में ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल। देखते हैं अब 3-4 घंटा अपन यहाँ पे टाइम काटेंगे बैठ के, और क्या करेंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो अब विदाई का वक्त हो गया है, चलिए फिर मिलते हैं। तो यार यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे गोरखपुर जाने वाले हैं, सारे परेशान हैं बहुत ज़्यादा वेट कर। तो यार लगभग 6 घंटे इंतज़ार करने के बाद ट्रेन अपनी आ चुकी है। 6 घंटे अपन कैसे काटे बहुत मुश्किल से बैठे रहे वेटिंग रूम में, तो फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है, तो चलते हैं अपने होम टाउन। तो जैसे जैसे अपन लेट ही होते जा रहे हैं, जहाँ तक देख रहे हैं लेट ही हो रहे हैं, सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि 6 घंटा कम टाइम नहीं होता है। काफ़ी परेशान किया है हमें, चलते हैं अब। तो चलते हैं अंदर, हमारी सीट है 51, मतलब अपर सीट है, तो चलते हैं सीट ग्रहण करते हैं बैठते हैं। तो यार सुबह का टाइम हो चुका है, ट्रेन रुकी है हरदोई, और अब अपन इसके बाद लखनऊ। अपन यार पूरी रात सोए रहे हैं क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी 8 घंटा लेट है, और सफ़र काफ़ी और लंबा होते जा रहा है। उठते हैं सुबह, कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फ्रेश होने का ही मन नहीं हो रहा है लेट की वजह से। चलिए हॉर्न बज चुका है, तो इसे देखिए पूरे मौज में है, अपन भी बैठे हैं। ट्रेन और 5 घंटे लेट हो चुके हैं, मतलब टोटल 11 घंटे लेट है। तो बस अपन क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, टाइम काट रहे हैं बैठ के, और क्या कर सकते हैं। ये देखिए भाई को, भाई भी बेचारा अपसेट है क्योंकि कहीं भी गाड़ी रुक जा रही है। देखिए बच्चा सुधरने से रहा वो तो बिल्कुल। हाँ भाई चाय चाय, ये देखिए चाय समोसे चल रहे हैं यहाँ पे, लोग परेशान हैं काफ़ी, खाते पीते जा रहे हैं, अपन भी कुछ खा लेते हैं और बनाएंगे। जैसे तैसे करके खुशी भी हो रही है कि घर भी पहुँचना है, अब पहुँच ही जाएंगे और कुछ देर रह गए हैं। अपन फाइनली गोरखपुर पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से ट्रेन चेंज करेंगे
घर के लिए, काफी थक चुके हैं अपन। इधर वेट कर लेते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे यार, 11 घंटा कम थोड़ी होता है। यार मुझे रिसीव करने मेरे भाई आए हुए हैं, यहाँ से अपन दोनों लोग साथ जाएंगे। तो एयरप्लेन में कुछ चेंज हो गया है, तो अभी जो ट्रेन थी वो निकल चुकी है, तो चलते हैं बस से, भाई बस ही निकलेंगे क्योंकि ट्रेन का कौन वेट करेगा। दोनों बस स्टॉप पहुँच चुके हैं और बस लगभग 4 घंटा लेगी, 3.5 से 4 घंटा पहुँचाने में। तो ये सस्ती वाली बस ये हमारे सिवान जाएगी, तो निकलेंगे अब हम जस्ट 20 मिनट में, 8:20 में ये निकल जाएगी। अभी 8 बजे हैं और कुछ देर रह गए हैं घर पहुंचने में गाइस, तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है। पहुंचने के बाद सारे गम भूल जाएंगे, रास्ते में क्या हुआ नहीं हुआ, कितना देर हुआ। तो दिखाते हैं ये लग्जरी बस कैसी होती है। अंकल बहुत घूर के देख रहे हैं, इसको देखिए, इस लड़के को लग रहा है मैं व्लॉग बना रहा हूँ। सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, ये अपनी सीट बैठेंगे यहीं पे, हाँ मौज लेते हुए गाने की, सही सॉन्ग है। तो यार हमारे बिहार साइड इंटर करोगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे गाने मिलेंगे सुनने के लिए, काफ़ी अच्छे होते हैं, सफ़र भी आसान हो जाता है सुन सुन के, बहुत मौज होती है। चलते हैं, शुरू होने वाली है बस, बस स्टार्ट होने वाली है, जस्ट निकलेंगे। तो यार रात के बज रहे हैं 1:30 और हम पहुंच चुके हैं सिवान, और देख लीजिए आपकी काफ़ी भयंकर है फॉग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई आ रहा है रिसीव करने बाइक से। तो यार 2 दिन के सफ़र के बाद अपन फाइनली अपने घर पे पहुंच चुके हैं, और स्ट्रेस और थकान आप देख सकते हो चेहरे पे अभी तक है, 2 दिन से सफ़र में कंटिन्यू, आदमी बहुत काफ़ी घर पहुंचने के बाद सब रिलैक्स हो गया, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं घर आके। आगे भी ब्लॉग्स आएंगे घर से रिलेटेड, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।